आपने 4 साल पहले मेरे को जिम्मेदारी दी थी, जो जो जिम्मेदारी दी थी आपने मेरे को, स्कूल की, अस्पताल की, सीसीटीवी कैमरों की, डोरस्टेप डिलीवरी की, राशन की, इसकी सीवर की, पानी की, जितनी जिम्मेदारियां दी थी मैं इनसे लड़ लड़ के सारे काम करा रहा हूं। लेकिन भाई साहब कई सारे आपके मसले ऐसे हैं जो तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक दिल्ली पूरा राज्य नहीं बन जाए। मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं। आज हमारे दिल्ली के अंदर चारों तरफ गुंडागर्दी मची पड़ी है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा बहन जी, बेटी सवेरे सवेरे घर से निकलती है, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, शाम को पता नहीं सही सलामत वापस आएगी नहीं आएगी। औरत को घर से बाहर निकलने में डर लगता है। कई मोहल्ले ऐसे हैं घर से बाहर निकलो गली में लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को। भाई साहब 6-6 महीनों की बच्चियों के साथ दिल्ली में जब बलात्कार होता है तो दिल बहुत तकलीफ होती है। गली गली के अंदर नशा बिक रहा है, गलत नहीं कह रहा, गली गली के अंदर नशा बिक रहा है, गली गली के अंदर नकली दारू बिक रही है, पार्कों के अंदर स्मैकी बैठे हैं। क्यों हो रहा है ये सब, क्यों हो रही है इतनी गुंडागर्दी दिल्ली में? आपसे पूछना चाहता हूं, आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस सुनती है आपकी? जोर से बताना, सुनती है पुलिस? क्यों नहीं सुनती पुलिस? फिर आप अपने विधायक के पास आते हो, विधायक बेचारा कुछ कर नहीं सकता, विधायक की चलती नहीं है, पुलिस उसके अंडर में नहीं आती। आप मेरे पास आते हो, मैं कुछ कर नहीं सकता, पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती, पुलिस मेरी सुनती नहीं है, पुलिस किसके अंडर में आती है? मोदी जी के अंडर में आती है, प्रधानमंत्री के अंडर में आती है। अब प्रधानमंत्री जी से तो कोई मिल नहीं सकता भाई साहब, खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई कल गलत बात हो जाए, अपनी बेटी के साथ कुछ हो जाए, चोरी चकारी हो जाए, आप किसके पास जाओगे? प्रधानमंत्री के पास जाओगे? प्रधानमंत्री तो मिलता नहीं किसी से, उसके पास तो टाइम नहीं है। 4 साल से मैं मांग रहा हूं टाइम प्रधानमंत्री से मिलने का, मेरे से भी नहीं मिले प्रधानमंत्री जी, मेरे से भी नहीं मिले। मैं 4 साल पहले जब मुख्यमंत्री बना एक बार मिलने गया था, मैंने प्रधानमंत्री जी को समझाया, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों को दे दो, अब पाकिस्तान संभालो। पाकिस्तान तो संभलता नहीं उनसे, मैंने कहा पाकिस्तान बोले ना मैं दिल्ली पुलिस संभालूंगा। दोस्तों दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी अगर आपकी लड़की को गली के कोई लड़के छेड़ेंगे, या तो दिल्ली पुलिस उनको ठीक कर देगी, नहीं तो मैं दिल्ली पुलिस को ठीक कर दूंगा। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, दिल्ली के अंदर ऐसी कानून व्यवस्था कर देंगे, रात को 11 बजे भी अगर आपकी लड़की घर से बाहर निकलेगी, अगर किसी ने आंख उठा के देखी तो दोस्तों छोड़ेंगे नहीं उसको। हमारी सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था कि नहीं था? सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, आज 4 साल में ठीक कर दिए सरकारी स्कूल, वही टीचर, वही अफसर, वही प्रिंसिपल। हमारी सरकार बनी, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, आज 4 साल में सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, वही डॉक्टर, वही नर्सें, वही अफसर। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी भाई साहब, दिल्ली पुलिस की दिल्ली कानून व्यवस्था भी ठीक करेंगे, वही दिल्ली पुलिस, वही SHO, वही इंस्पेक्टर, वही दिल्ली पुलिस वाले होंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था ऐसी कर देंगे दोस्तों, सबके लिए सुरक्षित होगी दिल्ली, सबके लिए। आज पूरी दिल्ली में सीलिंग हो रही है, इतने लोग बेरोजगार हो गए, इतनी दुकानें बंद कर दी। बताओ हमारे व्यापारियों का क्या कसूर है, दुकान वालों का क्या कसूर है? दुकान वाले कोई चोरी चकारी थोड़ी कर रहे हैं, डाका थोड़ी डाल रहे हैं, 24 घंटे खून पसीने की कमाई कर रहे थे। हमारी दुकानें सील कर रहे हैं चारों तरफ, मेरी चलती नहीं उसमें, मेरे पास आए थे व्यापारी, मैं उनको लेके केंद्र सरकार में गया, केंद्र सरकार को एक लाइन का कानून पास करना था, एक लाइन का ऑर्डिनेंस कि जो दुकान दिल्ली में जहां है उसको सीलिंग नहीं की जाएगी, ये कानून पास कर देते केंद्र सरकार वाले, भाई साहब सीलिंग बंद हो जाती दिल्ली में। मैं 10 बार गया केंद्र सरकार में, मेरे जूते घिस गए, माने नहीं केंद्र सरकार वाले। तो भाई साहब इसमें थोड़ी गलती अपनी भी है, पिछली बार आपने 7 बीजेपी वाले जिता दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी सीलिंग हो रही थी
कहां थे ये बीजेपी वाले सातों? घर में छुप के बैठे थे। क्यों नहीं गए इनकी बीजेपी की सरकार, ये सातों बीजेपी के? जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी कहां थे ये सातों के सातों? भाई साहब दिल्ली आज पूर्ण राज्य होती 24 घंटे के अंदर दिल्ली में सीलिंग बंद करा देता। हमारे बच्चे 12वीं क्लास पास करते हैं, 90% नंबर भी आ जाए तब भी एडमिशन नहीं मिलता कॉलेज में। क्यों नहीं मिलता? हमारे टाइम में 60% नंबर भी आते थे ना बहन जी, तो मम्मी बड़ी खुश हुआ करती थी, मेरा बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है। आज 90% भी आ जाए तो माँ खुश नहीं होती, क्योंकि एडमिशन ही नहीं मिलता कॉलेज में। हमारी कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं मिलता? एक बहुत बड़ा कॉलेज है दिल्ली का, नाम बताना ठीक नहीं है, उसमें 150 सीट है, 150 में से 140 सीट पिछली साल तमिलनाडु के बच्चों को मिल गई, तमिलनाडु से जो स्कूल पास करके आए थे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर अगर सारी सीटें हमारे तमिलनाडु वाले ले जाएंगे तो हमारे दिल्ली के बच्चे कहां जाएंगे? गलत नहीं कह रहा जी, मेरा ये कहना है जो बच्चे 12वीं क्लास, हमने मोदी जी को कहा था जो बच्चा 12वीं क्लास दिल्ली से करे, दिल्ली के सारे कॉलेजों में 85% सीटें उन बच्चों के लिए होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़े करके बताना, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? 3 साल पहले मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी, मैंने कहा जी हम दिल्ली में नई यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, हम दिल्ली में 50 नए कॉलेज बनाना चाहते हैं। 3 साल हो गए अभी तक परमिशन नहीं ली, मेरे को लगता है एक बार भूखे रहना पड़ेगा फिर देंगे परमिशन। 3 साल हो गए परमिशन नहीं दी इन्होंने। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी जिस दिन, 2 साल में दिल्ली में इतने कॉलेज खोल दूंगा आपके 60% वाले बच्चे को भी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। वैसे आज अपने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, डिग्रियां ले लेके बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं जी बेरोजगार? अभी थोड़े दिनों में 20-25 हजार टीचरों की वैकेंसी निकलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन टीचरों की जो वैकेंसी निकलेंगी इनमें 85% आपके बच्चों के लिए रिजर्व होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ जरा से। हमने लिखा था मोदी जी को, हमने कहा भाई दिल्ली सरकार में जितनी वैकेंसी निकलती है उनमें 85% वैकेंसी हमारे बच्चों की होनी चाहिए। उसके लिए भी नहीं माने। अभी की अभी दिल्ली में इतने काम चल रहे हैं, मैं स्कूल बना रहा हूँ, अस्पताल बना रहा हूँ, सीवर पानी, डोरस्टेप डिलीवरी, फलाना ढिमका, अभी की अभी 2 लाख नई वैकेंसी निकल सकती है दिल्ली सरकार में, पर आपके मुख्यमंत्री को पावर ही नहीं है नई वैकेंसी निकालने। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी 2 लाख नई नौकरी निकालूंगा और उसमें 85% नौकरी आपके बच्चों को दूंगा। अच्छा, यहां इतने सारे लोग हैं जिन जिन लोगों का अपना घर है, जो घर के मालिक हैं जरा हाथ खड़े करो, और जो जो किराएदार हैं जरा हाथ खड़े करो। भाई साहब हर परिवार का सपना होता है कि अपना एक घर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका एक सपना होता है अपना एक घर होना चाहिए। जितने लोग झुग्गी वाले हैं, पहले तो ये बता दूं झुग्गी वालों के लिए पक्के मकान बनने शुरू हो गए। अभी कई झुग्गी वालों को हमने पिछले साल भी दिए थे, वो जो NH-24 है अपना, ये जो पटपड़गंज वहां पे नेहरू कैंप है, नेहरू कैंप के एक एक घर में मनीष सिसोदिया जी खुद चाबी देके आए थे एक एक घर वाले को, वो बड़े खुश हुए खुद अपनी झुग्गी तोड़ के और अपना चले गए। इस साल 52,000 घर बन के तैयार है, 52,000 झुग्गी वालों को घर दे देंगे पक्के मकान। लेकिन मेरा एक बड़ा सपना है, केवल झुग्गी वाले नहीं, मकान सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मकान सबको मिलना चाहिए। पीछे आवाज नहीं आ रही? हेलो, थोड़ी पीछे आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? आ रही। आ भाई आ रही। इसे अभी आ रही है? अब आ रही है। दोस्तों आज मैं पूरी प्लानिंग करके आया हूं, जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी 10 साल के अंदर दिल्ली के हर वोटर परिवार को, जो वोटर है दिल्ली में, जो दिल्ली में अब वोट डालता है वो दिल्ली का नागरिक,
दिल्ली के हर वोटर परिवार को सस्ती और आसान किश्तों के अंदर मकान बना के देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज केजरीवाल बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है। भाई साहब पढ़ा लिखा हुआ, फर्जी डिग्री नहीं है मेरे पास। मैं जब पिछले चुनाव के पहले मैं गली गली में जाया करता था, मैं कहता था हमारी सरकार बन गई तो बिजली के रेट आधे कर देंगे। उस टाइम ये बीजेपी कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, हो नहीं सकता। भाई साहब सरकार बनने के एक महीने के अंदर कर दिए थे, करे थे नहीं करे थे? आज भी प्लानिंग करके आया हूं पूरी। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी 10 साल तो लगेंगे, इतने मकान बनाने पड़ेंगे दिल्ली में। 10 साल के अंदर दिल्ली के हर परिवार को एक मकान बना के देंगे सस्ती और आसान किश्तों के अंदर। पूरी दुनिया में दिल्ली एक ऐसा मॉडल होगा जिसमें कोई किराएदार नहीं होगा, सब मकान मालिक होंगे, हर परिवार का अपना मकान होगा। और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जी। अभी तो मैंने 3-4 ही काम गिनाए हैं। पूर्ण राज्य हो गया तो एक तो सारी फाइलें मोदी जी के पास जानी बंद हो जाएंगी, सारे काम यही हो जाएंगे, आपकी सरकार को फुल पावर आ जाएगी। पूर्ण राज्य हो गया, आपकी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी नशा पता बंद होएगा, दिल्ली के अंदर आपके बच्चों को एडमिशन, बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलेंगे, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, हर परिवार को मकान मिलेगा, जितनी कच्ची कॉलोनियां सारी पक्की कर देंगे। भाई साहब बहुत सारे काम होंगे पूर्ण राज्य बनने में। कौन कौन चाहता है दिल्ली पूर्ण राज्य बनना चाहिए? लेकिन भाई साहब हाथ खड़े करने से तो नहीं होएगा।